आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। एक्टिव न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं सुरेश पठानिया स्वागत करता हूं। कठुआ जिला के उपजिला बसोली के गांव शीतल नगर में बसोली लोक सेवा संस्था द्वारा एक जन जागृति कैंप का आयोजन अजीत सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इसमें सरकार द्वारा लोक भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई व उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए क्या क्या आवश्यक कागजात है की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर संस्था के प्रधान बलजीत सिंह, नीना राजपूत, कुलभूषण सिंह, हरदेव सिंह, राजकुमार, कमलचंद, राकेश वर्मा आदि मौजूद थे। संस्था के सदस्यों ने लोगों से नशा छोड़ने व लड़कियों को पढ़ाने की अपील भी की। पेश है संबंधी एक्टिव न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। नवीं नवीं स्कीम सुनिए अपने इलाके के बीच अपने गरीब लोग अनपढ़ सारे अनपढ़ लोग ने उन्होंने स्कीम का फायदा दसन उनके कन्ने होइए उनके काम करवा। उस तो मैं बसोली तहसील के गया एक पी आर सी बनाना स्टेट सब्जेक्ट लेकिन उनके वास्ते भी अच्छा उन्होंने नशा टाइल का बाथरूम का बनाए करते हैं उनका एन ओ सी मंगया करते अगर जिंदे घर के फ्लैश बने दी है वो वीडियो साहब को एन ओ सी लियाओ ता करिए उनके पी आर सी इशू करने अदरवाइज जब कहीं फ्लैश का काम नहीं हो तो उन्हें नहीं करने ये छोटा तो छोटा काम इनकम सर्टिफिकेट या कोई भी कारण सुनाना है तो एन ओ सी ने बड़ा प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बड़ा ही लोगों ही आख्या कि फ्लैशा बनाओ उसके बाद एन ओ सी दियो ताकि जी गवर्नमेंट की स्कीम चली है उनका लोगों ही फायदा हो। तो मैं पिछले बारी भी आख्या कि जिन्हें भी सारे आधार कार्ड के पिछले बारी सारी गल हुई कि आधार कार्ड बड़े सारे लोगों के गलत बने हैं उनके करैक्शन कराने वास्ते जे एंड के बैंक बसोली के भी आधार कार्ड सेंटर खोले हुआ है उस मार्फत पढ़ाई थोड़ी एक लोक सेवा है ना कि अभी कोई मुखा देते पर इंसान वो जो इंसानी तो समझे वो थोड़ा अंदर करे जो इंसानी तो नहीं समझे तो मैं नौजवान साथियों से यह अपील करगा नशा हो गया पर दूर हो जाओ नशा जरा बड़ा दुख करवाई जो घर के लड़ाई पवाई जो शराबा पीए जिंदे चार नशा करिए जिंदे जनानी मार कुट करते मातृ शक्ति जन जग जननी इसका अपमान करने वाला आदमी कभी भी भला नहीं कर सकता। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। शुरुआत करूंगी ना हिंदी में बोलूंगी शुरुआत करेंगे हम एनजीओ कि क्या जरूरत पड़ी क्या ऐसी सिचुएशंस हुई कि हमें ये एनजीओ बनानी पड़ी हमें क्या फायदा आपको क्या फायदा कि कहाँ से शुरू हुई। सभी ने बताया यहाँ पे कि एनजीओ का मतलब क्या होता है ये एक ऐसा समूह है एक ऐसा ग्रुप है जिसे ना तो सरकार कुछ देती है ना किसी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है हम किसी पार्टी से ना बीजेपी से मिले हुए हैं ना कांग्रेस से मिले हुए हैं ना एनसी से ना पीडीपी से किसी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। या हम यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया है कोई ये ना सोचे कि हम किसी को समझाने आगे कि उसको वोट दो उसको दो ऐसा कुछ भी नहीं है वोट से कोई मतलब नहीं है ये बताना बहुत ज़रूरी है नहीं तो लोगों को थोड़ी गलत फहमी हो जाती है पता नहीं क्यों लोग इकट्ठे हो गए सिर्फ पॉलिटिकल टाइम में इलेक्शन टाइम में लोग इकट्ठे होते हैं आज तक ऐसे तो हुए नहीं कभी तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पॉलिटिकली इंटरफेरेंस किसी का नहीं है हम किसी पार्टी से जो ताल्लुकात नहीं रखते हैं हमारा अपना एक ग्रुप बनाया और उसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी इसका थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी इस पर। ज़रूरत ये पड़ी कि सरकार बहुत कुछ देती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है वो इतनी चीज़ें देती है इतनी पॉलिसीज देती है बट हम लोगों तक नहीं पहुँची। एक पॉलिसी है कि लड़की की शादी के बाद जब लड़की किसी गरीब की शादी की लड़की की शादी होती है तो सरकार उसको आर्थिक सहायता के लिए 40,000 रुपया देती है 40,000 बहुत बड़ी रकम है एक शादी के लिए 40,000 कुछ भी नहीं होता बट सरकार दे रही है 40,000 रुपया बट कब ये सर्वे हुआ हम लोगों को पता ही नहीं वो ये नहीं देखती कि ये मेरी पार्टी का बंदा है कि नहीं है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम बीजेपी की है वो ये सोच के नहीं भेजती कि ये मैं पॉलिसी भेज रहा हूँ तो यहाँ पे ये पीडीपी के बंदे को चले जाएगी या कांग्रेस के बंदे को चलेगी नहीं
ज्यादा जरूरी है इस वास्तव ये एनजीओ बनाई एनजीओ के माध्यम करना कले नहीं आओ अपने आप ही कदम नहीं समझना अब सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं।